Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Assalamu alaikum, dear students. I am your class. I hope you all doing fine. Today we start 9th class math, unit 1, exercise 1.6. And we start with the problems to solve कर रहे थे हम by grammar rules and by invariant. जिसमें हमारे पास आज के लिए question number 4 है. उसी तरह एक आपको statement में problem दी हुई है और आप उसको equations में change करके grammar and invariant method से solve करना है. तो सबसे पहले आप उससे ही देख सकते हैं question number 4 की जो statement है वो कहते हैं the third angle of an isosceles triangle is 16 less than the sum of the two equal angles. के दो equal angles का sum जो है वो 16 less than है third angle से, ठीक है? और इसके बाद उसने क्या find the three angles, यानी कि वो angles आप लोग find करें, three angles हमारे पास find करें कौन कौन से. तो question number 3 start अगर हम करें, सबसे पहले तो आपको statement समझ आनी चाहिए. हम suppose करते हैं, we suppose measure of equal angle is equal to x. के हमारे पास equal angle जो measure कर रहे हैं, each equal angle हमारे पास क्या है x, और third angle पर हमारे पास इस तरह क्या होगा, वो हमारे पास होगा y. के हर angle each equal angle हमारे पास जो है for measure each equal of each equal angle हमारे पास क्या है और थर्ड एंगल के हमारे पास y. अब गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर आप देखिए उसने कहा था जो इक्वल एंगल है उनका वो जो है 16 लेस देन है थर्ड एंगल से. तो उस हिसाब से अगर हम इक्वेशन अभी में आए तो हमारे पास इक्वेशन की बनेगी 2x, यानी कि इन दोनों का सम सम ऑफ टू इक्वल एंगल इज 16 लेस देन द थर्ड एंगल. अगर आप देखिए माइनस में आगे प्लस होगा 16 माइनस, तो थर्ड एंगल इज 16 लेस देन द सम ऑफ टू एंगल. के दो एंगल के सम में से 16 लेस करें तो थर्ड एंगल बनता है y. तो उसको मैंने इक्वेशन में लिख 2x माइनस 5 इक्वल टू 16. और वी नाउ दैट सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज 180, ठीक है? तो उसके अकॉर्डिंग दो एंगल से हमारे पास 2x से सम होगा. तो उसके अकॉर्डिंग जो सेकंड इक्वेशन बनेगी वो बनेगा 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 180. यहाँ पे हम लिख सकते हैं सम ऑफ एंगल्स, के एंगल्स का सम हमारे पास इसके इक्वल होता है 180. तो ये तो हमारे पास इसकी बन गई इक्वेशंस. देन अब इससे सबसे पहले हमें क्या काम करना है कि इससे हम देख रहे हैं हम लोग इसको सॉल्व करना है. ए क्या नाम मैट्रिक्स फॉर्म में, तो मैट्रिक्स फॉर्म में इसकी बनाऊं 2x 2 माइनस 1 1 x y इक्वल टू 16 डिग्री एंड 18 डिग्री. तो ये हमारे पास इक्वेशन है, इनको अगर हम नाम दे देते हैं तो नाम आपको पता है इसको क्या हम कहेंगे a x is equal to b. और इक्वेशन जो हमारे पास ऊपर दी है वो बनती है a x is equal to b. तो सबसे पहले हम इसको इनवर्टियल मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले हम इनवर्टियल मेथड से सॉल्व करते हैं. तो इनवर्टियल मेथड में अगर आप देखें हमारे पास आपको पता है x किसके इक्वल आता है, x माइनस 1 एंड 1. अब इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करें तो हमारे पास आएगा 2 इंटू 1 माइनस 2 इंटू माइनस 1, 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4. और अब इसका एडजॉइंट ऑफ ए आपको पता है, ये तो सारे क्वेश्चन में आप करते हैं, आप इनवर्स फाइंड करने के लिए एडजॉइंट में बेटा एंगल्स की जगह चेंज कर देंगे और इसके साइन चेंज कर देंगे. अब आपको पता है ए इनवर्स हमारे पास क्या आएगा, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट. अब यहाँ पर मैंने डिवाइड नहीं किया, बार बार आपको बताने का मकसद यही है कि जब हम किसी भी इनवर्स को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिवाइड करने से बेहतर होता है पहले उसको मल्टीप्लाई करते हैं, देन जो आंसर आता है उसको आप डिवाइड कर लें. तो इसके लिए हम इक्वेशन में वैल्यू पुट करने लगे x इक्वल टू ए इनवर्स 1 माइनस 2 1 2 डिवाइडेड बाय 4 इनटू b की वैल्यू हमारे पास है 16 इनटू 18. तो अगर आप देखिए यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे x इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 16 प्लस 18
इसमें एक और इशू स्टेट यहां पे अगर आप देखें तो ये हमारे पास क्या है 180 डिग्री, क्योंकि सम ऑफ द एंगल ये है, दो एंगल ये और एक एंगल ये, तो इसका सम हमारे पास क्या होगा 180 डिग्री। तो जहां जहां 18 आ रहा है वहां हम क्या करेंगे 180। तो अब यहां पे हमने क्या करना है, 180 को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, तो 180 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 360 और डिवाइड बाय 4 अगेन हम वही करेंगे, x इज इक्वल टू हमारे पास ये आएगा 180 plus 16 is equal to 196 और 360 में से 32 माइनस करके कैलकुलेट करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं 360 माइनस 32 इज इक्वल टू 328 डिवाइडेड बाय 4। इट मींस दैट हम सबको हमने 4 से डिवाइड करना है, 196 डिवाइडेड बाय 4 एंड 328 डिवाइडेड बाय 4। तो अब इनको अगर हम 196 को 4 पे डिवाइड करते हैं, 196 डिवाइडेड बाय 4 49 डिग्री एंड 328 डिवाइडेड बाय 4 अगर आप करें कैलकुलेटर पे 328 डिवाइडेड बाय 4 which is 82। इट मींस दैट कि ईच इक्वल एंगल पे हमारे पास थे x, उसका हमारे पास आंसर क्या है 49 और थर्ड एंगल हमारे पास क्या है मेजर ऑफ ईच इक्वल एंगल इज इक्वल टू 49 और थर्ड एंगल हमारे पास वो क्या है 82। वो हमारे पास क्या आ गया 82। अब इन दोनों को अगर आप ऐड करते हैं 82 प्लस 49 तो देखें आपके पास ये इसको हमारे पास सिंगल एंगल का हमारे पास 49 है, इसे मल्टीप्लाई करके 82 में ऐड करेंगे तो 180 ही आपका आंसर आएगा, यानी कि सम ऑफ थ्री एंगल हमारे पास इक्वल आ जाएगा 180। ये तो हमारा आंसर था किस मेथड से, इनवर्जन मेथड से। अब इसी क्वेश्चन को लेके चलते हैं तो क्रैमर रूल से, तो क्रैमर रूल में आपको क्रैमर रूल में आपको पता है आपके पास तीन सबसे पहले मैट्रिक्स होने चाहिए, मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू वही प्रिमिटिव पार्ट 2 माइनस 1 एंड 1 एंड इट्स डिटरमिनेंट इज इक्वल टू, सब डिटरमिनेंट फाइंड कर लेते हैं साथ साथ 2 इनटू 1 माइनस 2 इनटू माइनस 1 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4 एंड देन अगेन हमारे पास मैट्रिक्स होगा ax और विदाउट ऐड ax मैट्रिक्स कैसे आएगा, x की जगह हमने b को रिप्लेस करना है, तो 180 माइनस 1 एंड 1 एंड ax डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 16 माइनस 180 16 माइनस 16 माइनस माइनस प्लस 180 हमारे पास हो जाएगा ax इक्वल टू, अब 16 प्लस 180 हमारे पास पहले भी हम लोगों ने किया था 196 हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर 196। और यहां पे अगर आप देखेंगे हमारे पास उसके बाद ay एक मैट्रिक्स होगा, वो हमारे पास क्या होगा y के अंदर प्लेस करेंगे 2 माइनस 2 2 एंड 2 16 एंड 180। तो अगर आप देखें ay का डिटरमिनेंट हमारे पास क्या आ रहा है 360 माइनस 32, तो ay का डिटरमिनेंट हमारे पास आ गया 328। तो अब हमें पता है कि हमारे पास क्रैमर रूल के अकॉर्डिंग ax किसके इक्वल होता है, ax इक्वल टू a का a सॉरी x इक्वल टू हमारे पास एक x वाई फाइंड करना है ना, तो x इक्वल टू ax का डिटरमिनेंट ओवर a का डिटरमिनेंट, तो जस्ट वैल्यूज पुट कर दिए तो x इक्वल टू हमारे पास क्या होगा यहां पे अगर आप इसको देखें x की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट की है व्हिच इज 196 divided by 4 is equal to 49 degree and y अगर आप देखें y का फार्मूला होता है a y का डिटरमिनेंट होगा a का डिटरमिनेंट, तो y is equal to अब a y का